हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ कि आई कैसे बनाते हैं, बहुत इजी ट्रिक से। तो यार, आई बनाने के लिए ना सबसे पहले ना बीचों बीच ब्लैक कलर कर लो, आराम से एक सर्कल बना के बीचों बीच ब्लैक कलर कर लो। फिर उसके ना कोने कोने से ना हल्का हल्का यहाँ पे ब्लैक कलर निकालो, ठीक है, लाइन लाइन मार दो ब्लैक कलर से, हल्के हल्के से। फिर उसके बाद ना एक ना हमेशा व्हाइट शाइन के लिए एक जगह छोड़ दिया करो, जहाँ पे व्हाइट शाइन दोगे, क्योंकि उससे ना आँख की अलग ही चमक दिखती है। तो तुम लास्ट में देखना कितनी अच्छी चमक आएगी इस पे। अब व्हाइट चमक छोड़ दिया मैंने जैसे, और वो ना वो हमेशा एक ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगल में छोड़ा करो, तो उससे शाइन अच्छा आता है। और उसके अंदर ना जैसे मैं देखना कैसे ब्लू ब्लू कलर से लाइन लाइन टाइप दूंगा, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा, ठीक है, मतलब उससे ओरिजिनलिटी वाला लुक आता है थोड़ा, तो वो करूँगा मैं। और अभी ये देखो कैसे करता हूँ मैं, ध्यान से देखना बिल्कुल पास से, और बनाने की कोशिश करना। तुम भी बना लोगे आराम से। ऐसी आई बहुत इजी वे से बनाया मैंने। देखो, अब मैं व्हाइट मिक्स करा, ब्लू करके व्हाइट मिक्स करा, अब ये जो मैंने ब्लैक करा इस पे भी हल्का हल्का ब्लू करूंगा, हल्के ब्लू से ना करता जाऊंगा करता जाऊंगा। तो जिसे अगर जो ड्राइंग करता हो, जैसे शौक है ड्राइंग करने का, वो एक बार जरूर ट्राई करना, इजीली बन जाएगा तुमसे, बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे से बनेगा, मतलब सॉरी, बहुत इजी, बहुत इजीली, यार क्या बोलने जा रहा हूँ। तो फिर हाँ, अब देखो ऊपर मैंने थोड़ा रेक्टेंगल टाइप से छोड़ दिया है, अब वहाँ पे वो मेन वाइट जगह है जहाँ से मुझे शाइन देनी है, तो बस फिर उस जगह शाइन आ जाएगी हल्की, और बाकी अब देखते चलो मैं कैसे करता हूँ। जैसे अभी मैं व्हाइट व्हाइट लाइन दे रहा हूँ, तो ये व्हाइट लाइन इसलिए दे रहा हूँ मैं, इससे ना थोड़ी ओरिजिनलिटी आती है ड्राइंग में। जैसे यहाँ पे लाइन सीधी सीधी जा रही है, तो आईज में तुम देखोगे, अगर ध्यान से आई को बिल्कुल पास से देखोगे, तो उसमें भी ना थोड़ी व्हाइट व्हाइट हल्के, मतलब अगर जिसकी आई ब्राउन होती है उसमें ना ब्राउन कलर पे थोड़ी येल्लो येल्लो सा कुछ लाइन लाइन सा होता है, ध्यान से देखना। तो वही दिया मैंने, वही कोशिश करी देने की, ठीक है, तो देख लेना। और मैंने ना ये एकदम एंड में ना देखो ध्यान से, मैंने ना थोड़ा डार्क डार्क सा छोड़ा हुआ है, तो वो डार्क इसलिए छोड़ा है क्योंकि उससे ना आँख की बिल्कुल वो सर्कल सा जो हो रहा है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो वो पहले खत्म हो जाता है और लास्ट में ऐसा ही कुछ आता है, तो इसलिए मैंने दिया था थोड़ा देख के या सोच के बिल्कुल, ठीक है। तो बस तुम देख लेना यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ मैं, और ध्यान से देखना वीडियो, और एक बार ट्राई जरूर करना, जिसे जो सीखना चाहता है, मतलब जो करना चाहता है मेनली ड्राइंग के जो बंदे ना, वो ट्राई करना जरूर। हाँ, और तुम एक चीज देखो, जो मैंने वहां पे व्हाइट व्हाइट वाली शेड दी है ना कोने में, राइट साइड इस पे, वहां पे उस पे ना मैंने थोड़ा ना वो कर रखे हैं पेड़, जैसे उल्टे पेड़ में जैसे जैसे लाइन दे रखे हैं ब्लू से, तो वो मेन वो जो करा है मैंने, वो सामने की शेडो पड़ रही है, मतलब जैसे रिफ्लेक्शन नहीं आती सामने से किसी चीज की, वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है उसकी आंखों पे, तो वो दिया मैंने, तो वो भी अच्छा लगता है। अब देखो, अब मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ब्लू करा, अब मैंने ब्लू पे व्हाइट मिक्स कर दिया, तो वो हो गया। अब मैंने रेड लिया, रेड पे व्हाइट मिक्स कर दिया, तो इससे थोड़ा सा ना लग रहा है कि हाँ आंख के अंदर थोड़ा रेड रेड सा कहीं कोई दिखता है ना, तो वही दिख रहा है। तो बस फिर ये चीज कर दिया मैंने। अब इसमें ना मैं नस वस से बनाऊंगा, थोड़े जो रेड रेड से होते हैं जो दिखते हैं वो बनाऊंगा, और जो तुम्हें आई में दिखता है ना सब कुछ करो। ये मैं सोचो यार ये मतलब पास से दिखेगा नहीं दिखेगा या कुछ अजीब सा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आराम से करना, बिना डरे करा करो ड्रॉइंग, बस कूल माइंड से। ओके,
तो आपको मैं यहाँ पे सिंपल तरीका बताऊंगा कि स्किन कैसे करते हैं। तो अभी तो यार मैंने ज़्यादा फोकस आई पे दिया, इस वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने बस ब्राउन करो, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ब्राउन करो, और थोड़ा जहाँ हल्का वहाँ ऑरेंज करके उसमें वाइट मिक्स कर दो, तो तुम्हारा स्किन ईजिली बन जाएगा। और थोड़ा मैं आगे आगे वाइट रखूँगा, जो आँख के वो तुम्हारे आई वॉल के ऊपर है वाइट, तो वो थोड़ा वाइट रखूँगा, उसकी वजह से ना ऐसा लगे जैसे वो आगे की ओर है। ठीक है, तो ये तरीका होता है दिखाने का कि कोई चीज़ आगे पीछे कैसे दिखाए। अब देखो वो तुम्हें ऐसा लगे जैसे अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि वहाँ मैंने डार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम समझ जाना कि कैसे करते हैं। और एक बार ही मैं बार बार ही कह रहा हूँ, तो मैं करके जरूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तुम बना लोगे इसे। ठीक है, क्योंकि तुम देख ही रहो कितना ईजी है, तो अगर करके देखोगे तो बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो, अब मैं इसके ना वो करूँगा, आई लिड्स करूँगा। ठीक है, तो आई लिड्स में ना कुछ नहीं होता यार, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसे ना ब्रश को ना जैसे थोड़ा वैसे पहले शीट उल्टी कर लेना। ठीक है, और ब्रश को ना बिल्कुल पकड़ना, बीच में थोड़ा डॉट डालना और खींच देना, डॉट डालना खींच देना। ठीक है, मतलब हमेशा ना खींचते हैं ब्रश यार तुम ना, मैंने यार इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे, मैंने नहीं बनाया, वो मेरी गलती है। पर उसे ना तुम ना खींचना, बस ऐसे पकड़ के खींचना, तो उसकी वजह से ऊपर की ओर खींचोगे ना तुम, तो वहाँ से मोटे से पतलापन आ जाता है उसमें, तो वो बहुत अच्छा लाता लुक लाता है, तो वो कर देना तुम। ठीक है, अब मैंने आई तो यार बना दिया लगभग, अब नीचे करूँगा थोड़ा, और उसे जल्दी जल्दी मैं करूँगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना। मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए आई पे कि कैसे करा मैंने। तो जिन जिनको करना है वो वापस से कर लेना, बहुत इजी वे है करने का। जो ड्राइंग वाले हैं यार, जो नहीं है वो तो करेंगे नहीं, तो जो ड्राइंग वाले वो सारे कर लेना, फाइन आर्ट स्टूडेंट्स वगैरह, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लास्ट में। थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया, अब ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, और बस अब हो गया मेरी पेंटिंग कंप्लीट। तो सारे बता देना कैसी लग रही है। अब मैं ऊपर थोड़ा और स्किन कर देता हूँ, थोड़ा ये खाली खाली सा लगाता हूँ ऊपर, इससे थोड़ा थोड़ा स्किन सा कर देता हूँ। बस मेन यार फोकस आई पे था, ये तो तुमको पता ही है।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा आसपास कुछ करानी है। ठीक है, तो सारे कमेंट करके बता देना कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बढ़िया है, ना लगी हो तो भी ठीक ही है, लाइक कर देना सारे, और बेकार लगी तो यार अनलाइक करना, कोई बात नहीं अगर बेकार लगी हो तो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।